धनबाद उपायुक्त कार्यालय में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। कुल 28 बेरोजगार युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है। युवाओं ने उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरा गया जो आमतौर पर नौकरी के लिए आवश्यक होती है। रोस्टर और उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नाम भी प्रसारित किए गए और नियुक्ति पत्र भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, लेकिन जब वह योगदान देने पहुंचे तो पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। ठगी के शिकार युवा न्याय की गुहार लगाने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंततः वह धनबाद उपायुक्त के समीप गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि नौकरी के नाम पर सभी से ठगी हुई है। वे लोग सबसे पहले सिटी एसपी से मिले, उन्हें बरवड्डा थाना में जाकर शिकायत करने को कहा। इसके बाद सभी पीड़ित बरवड्डा थाना पहुंचे तो वहां पता चला कि पीड़ित लोग निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठगी करने वाला विकास और दीपक कुलटी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके बाद सभी को निरसा थाना में जाने को कहा गया। वे लोग पश्चिम बंगाल कुलटी थाना भी गए। वहां बताया गया कि घटना धनबाद के पुराना और नए डीसी कार्यालय में अंजाम दिया गया है, इसलिए प्राथमिकी वहीं दर्ज होगी। अब सभी पीड़ित युवक व युवतियों ने आज धनबाद उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी फरियाद सुनाई। पीड़ित 28 युवाओं ने बताया कि विकास कुमार कुलटी में एक किराए के मकान में रहता था। यहां उसने आसपास के युवकों को महज 35,000 रुपए में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया और समय और पैसे ऐंठते रहा। वहीं पूरे मामले में धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि ठगी के शिकार युवाओं ने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने सिटी एसपी को मामले की जांच का निर्देश दिए हैं। बहुत जल्द जो लोग इसमें दोषी होंगे और जो पर्दे के पीछे से पूरे नेक्सस को संचालित कर रहे होंगे उन पर कार्रवाई होगी, वह जेल जाएंगे। अगर इस मामले में कोई उपायुक्त कार्यालय का कर्मी भी दोषी पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई जद में लाकर उसे भी जेल भेजा जाएगा। कैश में दिए थे 3 लाख और बाकी उसका मोबाइल में ट्रांसफर किए थे 4,40,000। विकास कुमार नाम का है जो कुलटी में किराए के रूम में रहता था, लेकिन वो बताया जा रहा कि रोहतासगढ़ जिले का रहने वाला है। ऐसे हम लोग के पास प्रूफ है, उसका ही आधार कार्ड है। मेरा दोस्त पहले उसमें शामिल हुआ था, उसी के अंडर में हम आए थे। 10 तारीख के बाद से हम लोग को एक मैसेज भेजा कि हम तुम लोग का रजिस्टर टू खो गया है, जिसलिए तुम लोग 3 साल बैक चले गए हो। उसके बाद से हम लोग का कोई फोन संपर्क नहीं हो रहा। एक बार वो कॉल किया था हम लोग को, जिस दिन कुलटी में हम लोग थाना में रिपोर्ट करने गए थे, उस दिन हम लोग से बात हुआ, लगभग 36 मिनट से बात हुआ, लेकिन वहाँ पर कुलटी थाना में हम लोग का कोई 10 तारीख को यहाँ आए कि यहाँ पर हम लोग का ज्वाइनिंग था, लेकिन वो हम लोग के साथ नहीं आया। हम लोग के अंदर घुसने का ही नहीं हुआ। फिर हम लोग 11 तारीख को आए, फिर यहाँ पर डीसी ऑफिस में आए थे कार्यालय में एक में, जहाँ पर हम लोग की भी छानबीन करवाएं अपना डॉक्यूमेंट्स, बोल रहे ये सब फर्जी है। पढ़ाई कर रहा था पटना में, तो मेरा मित्र का जो हुआ तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम भी लालच में आकर उनसे जॉब के लिए गुहार लगा दिए। तो उन्होंने हमसे मांग की पहले 50,000 का, क्या 50,000 दीजिए तो आपको ज्वाइनिंग लेटर पहुँच जाएगा डीसी ऑफिस में, धनबाद डीसी ऑफिस। ज्वाइनिंग के समय 50,000 की मांग किए, उसके बाद फिर 50,000 की मांग किए, फिर इंटरव्यू के लिए मांग किए कि 30,000 के लिए, उसके बाद मांग किए कि आप लोग को गाड़ी दिया जाएगा टॉप लेवल का, उसके लिए 1,10,000 की मांग की गई, और उसके बाद फिर सब डिवीज़न बनाने के लिए 35,000 की मांग की गई। करीब किसी का 4 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 7 लाख, ऐसे 28 लोग इसमें शामिल हैं। मतलब ठगी का शिकार हुआ है किसी का, एक्साइज सब इंस्पेक्टर 8 पदों के लिए, जिसमें समाज कल्याण विभाग, फिर ट्रांसपोर्टेशन विभाग, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पोस्ट में, ऐसे करके सबका 8 पोस्ट के लिए दिया गया था, क्लर्क से लेकर 4th ग्रेड से लेकर ऑफिसर रैंक का। लोग जब आए 10 जून को यहाँ पे इंटरव्यू के मतलब ज्वाइनिंग के लिए, तो उस दिन से उनका फ़ोन बंद आ रहा है और वो अभी तक नहीं यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया डीसी ऑफिस में, तो पता चला कि हम लोग फ्रॉड का शिकार हुए हैं, इसमें हम लोग का किसी तरह का है वो ओरिजिनल नहीं है। तो आप लोग थाने में कंप्लेन किए, लेकिन अभी तक हमारा थाना में कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया है, इसीलिए हम लोग डीसी मैम से मिलने आए हैं। यहाँ धनबाद डीसी ऑफिस में नौकरी का लगाने के नाम पे कुछ युवक और युवतियों से फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी पूर्व में भी सीनियर एसपी और एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण को दी गई थी।
वो लोग अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं जैसा उनके द्वारा बताया गया है। हम लोगों ने जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि आप लोग भी अपने स्तर से FIR दर्ज करिए, और अभी मैंने CTSP को निर्देश दिया है कि इसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें लोग दोषी हैं, और ना सिर्फ जो लोग इमीडिएट दोषी पाए जाते हैं बल्कि इसके पीछे जो मास्टर माइंड है उनको ढूंढ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरीके से ना सिर्फ युवा लोग गुमराह होते हैं बल्कि उनका जो मेहनत का पैसा है वो भी वेस्ट हो गया है, और इस तरीके का कोई और मामला कभी भी प्रकाश में ना आए इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई करे। देखिए वो जिस तरीके से आप लोगों ने भी देखा होगा जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो सीधा समझ में ये आ रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के लेटर्स निकलते हैं DC ऑफिस से जो लोग कहीं ना कहीं से एक्सेस कर लेते हैं तो उसमें से वो सिग्नेचर को ले करके वो फोटो ऑफ करके कॉपी पेस्ट किया गया है। ये एकदम मतलब अक्षरशा मामला नो फर्जीवाड़ा का है, कहीं से उठाया साइन कहीं लगा दिया कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दिया, और लोग इस चीज़ को ऑथेंटिकेट नहीं करते कि हाँ सचमुच में ये DC ऑफिस से इस प्रकार का कोई नियुक्ति निकला भी है या नहीं निकला है। तो उसे कई बार जो सीधे साधे लोग होते हैं वो इस तरीके के मामलों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि युवाओं से भी हमारी अपील है ज़िला प्रशासन की ओर से कि ऐसे किसी भी मामले का शिकार होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा इसको डबल क्रॉस चेक कर ले कि सचमुच में ऐसी कोई नियुक्ति निकली भी है या नहीं निकली है, क्योंकि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी हाइपर सेंसिटिव हो गई है उसमें ऐसी चीज़ों को रोकना प्रैक्टिकली उतना संभव नहीं हो गया है। आदमी कितना अधिक सतर्क रह सकता है वही आवश्यक। अभी तक जितना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है उसमें हमारे ऑफिस से तो किसी की संलिप्तता नहीं प्रकाश में आई है, लेकिन अगर भविष्य में कोई भी पदाधिकारी या कर्मी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ़ भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसा किसी नॉर्मल व्यक्ति के खिलाफ होती है।